फ्रेंड्स QR कोड स्कैन करो और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो 1 रुपया डाल के अपना प्यार दिखाएं, और अगर मेरी वीडियो वाकई अच्छी लगती है तो 1 रुपया डाल के प्यार दिखा के आई लव यू लिख दें। थैंक यू। ये सारे किड्स क्रैकर है, ठीक है, और मिक्स है, किड्स भी चला सकते हैं, बड़े भी चला सकते हैं, पर किड्स के लिए कौन कौन से क्रैकर्स हैं मैं वैसे बता देता हूँ। वैसे मैंने टेस्टिंग की, बीडी बम किड्स दिवाले इसे पहले बहुत सारे पहले बनाने लग जाते हैं, चलाने लग जाते हैं, उसके बाद ये माचिस आ जाती है। इसकी टेस्टिंग मैंने बहुत पहले दिखा चुकी है, फिर भी ये दिखा देंगे, हम थोड़े दिन में शूट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये पांडा, तोता बम की तरह होता है, ये खिलारा पाता है, ये भी टेस्ट करेंगे। ये बड़े बच्चे चलाएंगे थोड़े से, जिनके 11-12 साल होंगे, वैसे 8 साल के भी चलाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। तो ये वाला कैमरा और ये वाला कैमरा फ्लैश, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। एक चीज़ बता दूँ, बेकार बहुत बढ़िया, ठीक है, दिन में आपको डिफरेंस पता लग गया। टॉर्च छोटे बच्चे भी चला सकते हैं, फुल जड़ी हरी कलर की, और ये पेंसिल है, ठीक है, जिसको हम टॉर्च कहते हैं, ये दोनों साइज छोटा बड़ा है, ठीक है। बिजली बम आ जा बार पहले बिजली बम भी चला दिया जाए, बीडी बम भी टेस्ट किया है, तो सबसे पहले हम बीडी बम भी टेस्ट कर लेते हैं। ये बीडी बम है कलर वाले बीडी बम है, और ये काफ़ी अच्छा कलर छोड़ते हैं। चलो सबसे पहले कलर बीडी बम आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। इसका इतना ज़्यादा मतलब कि स्मोक दिखना है, इसका कितना सही होगा, ये मैंने गाड़ के चला रहा हूँ, ये देखो ये फटेगा, कितना सही फटेगा पता है आपको, बहुत सही फटेगा। आज कह रहे मिट्टी पड़ेगी आंखों में, ये देखो ये देखो ये देखो, आंखें बंद, डर रही है, डर आंखों इतनी नहीं मिट्टी उड़ाएगा वो। ओ देखा खड्डा कर दिया, देखा खड्डा कर दिया उसको, देखो वो बिहाइंड द सीन शूट कर रही है। चलो ये बीडी बम टेस्ट कर दिया, अब इस बम की थोड़ी सी पावर बढ़ा दी जाए, अब हम बिजली बम टेस्ट करेंगे। बिजली बम बम्बों से दूर जाके बिजली बम टेस्ट करेंगे, और बिजली बम एक ही लेके आया मैं, इसका क्या टेस्ट करना। ये बहुत जोर से बजता है, लग गया कानों में, उंगली भी डाल सकी, एक बार और बिजली बम, रुको, इसमें देखते हैं, देखो पूरा ढेरी बना के बिजली बम फड़ा जाएगा, टन टन लगी आग लगी, ओ अनार की तरह चला, अनार नहीं है बिजली बम, दोबारा फिर से टेस्टिंग, बिजली बम फिर से टेस्टिंग, ये देखो अट बट टट, हमें डेरी चाहिए, कब्जा हो गया, ओके चल गई, ओह बिजली बम, चक धूमदार। तो फ्रेंड्स अब बम हो गए बहुत, अब बम्स में फोर्स डाल दिया है, फोर्स, उससे पहले ना बटरफ्लाई की टेस्टिंग करते हैं, बटरफ्लाई उड़ेगी हवा में, चलो ये देखो वो बिहाइंड द सीन बना रही है, रुक जा। अब ये बटरफ्लाई है ना एक्चुअल में गोल पे घूमती है, ठीक है, अब ऐसे में रखेंगे तो ये उड़ जाएगी, तो देखते हैं उड़ती है या नहीं उड़ती। इसको आग लगाते हैं, ये लगी इसको आग, अब देखते हैं ये कहाँ जाती है। वैसे ये कलर छोड़ते हैं, ओट पुसियाँ मार रही हो, कलर रेड कलर रेड कलर, देखा टूसिया हमारे कितने बढ़िया चल रही थी, ये मस्त है यार, प्लेन लाके तो एक ही जगह घूमती है, रुक जा, एक और करता हूँ, ये देखो एक ये उड़ भी जाती है, रुक जा, या इसको दबा के चलाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, उठा चल रुक जा, फिर खड़ी करके देखते हैं उड़ेगी नहीं, उल्टी चलाते हैं ऐसे, टन टन है, उड़ेगी देखते हैं, ओए द्वारती करता हूँ, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, द्वारती लेगा नहीं, द्वारती हो जाएगा, चलो रुक जो, अब देखते हैं कुछ और करते हैं, अब करेंगे ये पांडा की टेस्टिंग करते हैं, मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे पांडा का टेस्टिंग, पांडा वैसे एक्चुअल में बताऊँ मैं बचपन में हम पांडा कैसे चलाते हैं पता है, हम इसको खोल के फेंकते थे, फिलहाल देखते हैं इसका टेस्टिंग कैसा रहता है। तो चलो ये देखो इतना बड़ा बम, वैसे हम आग लगा के इसको फेंक देते थे पर दूर रहना थोड़ा, ठीक है, ये देखो ये आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी इसकी, तो खिलर जाते हैं, ये आग लग गई इसको, ओए ये को खुला रहा, एक बार फिर से स्नेहा जी बहुत डरते हैं पटाखों को आग लगाते, इसको आग लगाते तो बहुत ज़्यादा डरते, देखो एक फोड़ा इतना खुला रहा है, अब इसको 2-3 कट्ठे फोड़ेंगे तो क्या होगा, मजा आएगा नहीं, देखो खड़ा जा, चल ऐसे रख के फोड़ते हैं, ठीक है, ओगी ओ तेरी देखो खुला रहा, देखा आपने फ्रेंड्स, ये वाला कैमरा है, ये वाला, इसमें देखो कोई फ्यूज़ नहीं है, ये कुछ ऐसा रहने वाला है,
ठीक है, देखो पीछे मिट्टी लगी हुई है, और ये वाला कैमरा है इसमें फ्यूज दिया हुआ है, और ये पीछे कुछ ऐसा है। तो ये वाला जो कैमरा है इसको आग लगानी बहुत मतलब कि बेकार है, इसको आग लगती नहीं और ये जंग से चलता भी नहीं है। ये वाला अगर आप खरीदते हो तो पैसे वेस्ट है, ये वाला अगर खरीदते हो तो बहुत बढ़िया है। दोनों में आपको पांच पांच कैमरे मिलते हैं पर बढ़िया है। तो चलो सबसे पहले हम बढ़िया वाला कैमरा चला के देखते हैं कैसा चलता है, उसमें आपको क्या अंतर देखने को मिलता है। इसमें आपको देखो बहुत दिन है, इस वेले बहुत ज़्यादा दिन है, फिर भी इसमें आपको फ्लैश तो देखने को मिलेगी, वो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको रख दिया और इसको लगाते हैं आग। ये इसको लग गई आग, अब दूर हो गए हम। अब देखना इसकी फ्लैश, देखना ये देखो दिन में इतनी ज़्यादा फ्लैश मारता है और रात में तो कहर कर देता है। देखो कितना सही है, ये है कैमरा, सिंपल है, इजीली आग लगी। अब उसको मैं जो दूसरा कैमरा है उसको हंटर से लगाऊंगा, हंटर के साथ भी उसको ना आग आसानी से लगती नहीं। ये कैमरा फ्लैश है, देखो कितनी सही कैमरा फ्लैश मार रहा है। देखो मैं तोता हूँ थोड़ा सा फोड़ा, कितनी रश हो गई। तो आप अगर आपने कैमरा फ्लैश लेना, वैसे मैं रेकमेंड नहीं करता, अगर बच्चे है छोटे आपके पास तो मैं रेकमेंड नहीं करता। कारण क्या है, क्योंकि ये कैमरा फ्लैश आंखों को बहुत इफेक्ट डालता है। जब इसकी टेस्टिंग रात में होती है तो काफ़ी देर तक आपको आंखों को फ़र्क पड़ता है। अब देखो ये वाला टेस्ट किया मैंने अभी, ठीक है, ये वाला काफ़ी अच्छा है। अगर इसकी MRP की बात करूँ, काफ़ी कमेंट करेंगे, तो वैसे मैंने इन सब के ऊपर MRP की वीडियो बनाई है, 2250 रुपये इसकी MRP लिखी है, पर ये 100 से 150 रुपये में मिल जाता है। अब मैं इसकी टेस्टिंग करने वाला हूँ, इसकी टेस्टिंग कैसे करने वाला मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मेरे पास हंटर है, इसको हम आग लगाएंगे, फिर इसकी टेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ। और एक्चुअल में जो आपको अनार चलाना है, मटका अनार चलाना है या कुछ चलाना है, उसकी टेस्टिंग इसी के साथ होनी चाहिए, ताँ जो आपको हाथ ना जले। तो चलो इसको निकाल लेते हैं, इसको हमने निकाल लिया, अब इसको जलाएंगे। तो चलो इसको जलाते हैं। अब देखो ये वाला कैमरा जो मैंने टेस्ट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला कैमरा टेस्ट किया था कितना बढ़िया था, ठीक है। और अब हम हंटर के साथ ये वाला टेस्ट करेंगे, इसको कोई नहीं लेटा जाए, जैसा मर्जी हो जाए, कोई चक्कर नहीं है, पर इसको फिर भी हम टिका देते हैं। टिक जा सिम सिम, टिक जा, टिक गया ओए, टिक जा सिम सिम, टिक जा। ओके अब इसको जला लेते हैं हंटर को, इसी से जल जाएगा, जल जा सिम सिम, आग हमारी जल जाए तो मजा आ जाए, आ जा रे दिलबर दिलबर, आ जा रे, अरे आ जा, हमने बचपन में ऐसे बड़े पटाखे चलाए हैं। हंटर तू भी जल जा, हंटर जल नहीं रहा, चलेगा चलेगा चलेगा, जल जा, ओहू लाला, तो फ्रेंड हंटर चलेगा चलेगा, ओ चल पड़ा चल पड़ा। चलो अब देखो, अब मैं इसको सेफली आग लगा रहा हूँ, स्नेह जी पीछे हो जाओ, देखो इसको सेफली आग लगा रहा हूँ, ये चलेगा कैसा, ये देखो ये ऐसा कुछ चलता है, देखो ये मैंने 4-5 कैमरे टेस्ट किए हैं, उसमें से सिर्फ एक ये कैमरा ऐसे चला है, नहीं तो ये बहुत गंदा कैमरा चला है, कसम से। मेरे 4-5 कैमरा चलने के बाद ये 2 फ्लैशें मार रहा है, और अभी सेम है एक और, देखो ये ख़त्म हो गया ना, वो कितने देर चला था, सेम एक और ले आके दिखाता हूँ, रुको हंटर को मैंने यही छोड़ दिया, आप आग लगी हुई पटाखों के पास ना लेके जाएं, मैं एक और लेके जाता हूँ जल्दी जल्दी से, हंटर ना मेरा बुझ जाए। देखो तो मैं इसको जल्दी जल्दी से लेके जाता हूँ, हंटर चल रहा है, रुक जा रुक जा, ये रुक जा रुक जा रुक जा, ये देखो इसको ले आया, अब मैं इसको आग लगाता हूँ, देखना कि ये फिर सेम वैसा ही जलेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा डिफरेंस। और ये लगी इसको आग, चल जा, ये इसको आग लगी, लो लो हंटर बुझ गया हमारा। तो फ्रेंड्स देखो इसको इजीली मैं अभी मतलब कि वो वाला कैमरा जो चला है ना, उसकी वजह से मैं अभी इसको ढंग से देख नहीं पा रहा, इतना फ़र्क पड़ रहा है, पड़ जाता है, हवा अभी बहुत तेज़ चल रही है, तो मैं इसको लाइटर से आग लगाता हूँ, ये चलेगा। ओके अब चेक करो, ये देखो कैसे चल रहा है, ये लगातार चलता है, और इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत कम है, और ये ढंग से नहीं चल, लो ख़त्म। ऐसे ये तीसरा है, तीसरा कैरेक्टर से ये तीसरा, मतलब कि ये लगा लो कि मैंने 5 लेके आया था, एक मेरे पास बचाया, बाकी सारे वेस्ट हो गए, एक ये चला बस अच्छे से, बाकी ये सारे वेस्ट गए। तो पैसे वेस्ट करने से बेटर है कि आप वो ला लो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो क्रैकर रिव्यू आप समझ में आ रहा होगा, जी समझ में आ गया कि ये वाला कैमरा बकवास है, ठीक है ये देख लो आप, ठीक है। और ये वाला कैमरा टेस्टिंग बहुत ही लाजवाब है, इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, इसका फ्यूज़ भी सही है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलता, बिना फ्यूज़ के मिलता है, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं, अब फाइनली टेस्ट करते हैं, इस ये पेंसिलों की हुई है, अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। चलो चलो इसमें दो एक दो पेंसिल हैं, लो पकड़ो, मैं आप पकड़ो और अपना इधर आ जाओ, किस साइड से है ये, इस साइड से ही है ना, देख इससे कुछ नहीं है, ठीक है ना, कागज कागज हो गए, बिहाइंड द सीन देखो, बिहाइंड द सीन शूट कर रही है, करो करो करो, मेरे मुंह की तरफ नहीं छाड़ो,
पटाखे कभी भी मुंह की तरफ करके नहीं चलाने आपने, और पटाखों में जब आग लग कौन सा यही है गाड़ी। तो ये हम चलाएंगे पेंसिल, ये एक्चुअली म्यूर की है, टाइमिंग बहुत सही होगी। हाँ मेरे ऊपर मार लो, ये कितना सही चल रहा है, प्लेन देखो कितना सही है, कितना सही चल रहा है ना, देखो कितनी दूर तक प्लेन मार रही है, ये पेंसिल की है। स्विमिंग बाय मनी टेक्निकल लवली मनी एंड कब्रू दी मुठिया जिसको आप देख रहे हो। यहाँ से उधर गई रोड पे, नहीं रोड नहीं है वैसे, खाली एरिया उधर भी ना, हमेशा सीधी जाती है, फसाने की वजह से ये प्रेशर मारती है, प्रेशर मार के थोड़ी खाली एरिया था उस साइड भी, खाली एरिया था उस साइड भी ना, क्योंकि बहुत दूर दूर तो खाली एरिया है, जहाँ मर्जी चली जाए कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और टेस्टिंग कैसी लगी, इसमें हमने ये दिन में किए हैं, थोड़ा सा इतना अंधेरा नहीं था, सब कुछ दिख रहा है, वो बिहाइंड द सीन शूट कर रही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मजा आया हो, जो करते समय आपको जो मैंने शूट किया वो अलग से, जो उन्होंने शूट किया वो अलग से, ठीक है, अभी वो बता रही है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना। एक चीज़ और, यहाँ पे देखो QR कोड आ रहा होगा, वीडियो अच्छी लगी तो आपको सिर्फ 1 रुपया QR कर सकते हो, आप 1 रुपया डाल सकते हो मेरे अकाउंट में, जिसकी वजह से देखते हैं कितने जनों को अच्छी लगी, जिसको बहुत अच्छी लगी वो 1 रुपया Paytm कर सकते हो, Paytm गूगल पे जो करना कर लो, स्कैन कोड यहाँ दिख रहा है, नंबर नहीं है, सिर्फ स्कैन करना पड़ेगा, वीडियो को रोक के चेक कर सकते हो। अब देखते हैं कितने जनों को अच्छी लगी, 10 रुपये आए तो 10 जनों को अच्छी लगी है, 20 रुपये आए तो 20 जनों को अच्छी लगी है, 100 रुपये आए तो 100 जनों को अच्छी लगी है। तो बस आज के इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली आप सबको। हाँ, जो भी आप पेटीएम करोगे ना उनके क्रैकर्स ही आएंगे, तो क्रैकर्स जो आएंगे वो आपको दिखा दूंगा, ठीक है, और अभी मज़ा बहुत आया। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, हैप्पी दिवाली आप सबको एडवांस में, और हाँ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के साथ 1 रुपया डाल देना, देखते हैं किस किस को ज़्यादा अच्छी लगी है। तो बाय, थैंक यू फॉर द वीडियो।